नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज रिलीज हुई फिल्म गुड बाय अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर सकती है, इसके बारे में आज का वीडियो है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गुड बाय फिल्म विकास बहल ने डायरेक्ट की है, अमिताभ बच्चन की लाजवाब परफॉर्मेंस है। फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं, कई क्रिटिक्स को फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई है, उन्होंने काफी अच्छे इसको रेटिंग दी है, और कुछ क्रिटिक्स ऐसे भी है जिनको फिल्म ज्यादा पसंद नहीं आई है, उन्होंने फिल्म को एवरेज रेटिंग दी है। तो करीब 2.5 स्टार से 3.5 स्टार तक की रेटिंग फिल्म को मिली है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने रिव्यू में कि ये फिल्म क्लासेज को पसंद आएगी, मैसेज को पसंद नहीं आएगी। विशेषकर आजकल की जो पीढ़ी है वो तो जिस प्रकार के एंटरटेनिंग मूवी देखना चाहती है, जिस प्रकार की इवेंटफुल मूवी देखना चाहती है, जिस प्रकार एक्शन थ्रिल से भरपूर मूवी देखना चाहती है, वैसे तो ये फिल्म है नहीं। जो अलग मूवी देखना चाहते हैं, जो अलग थीम पसंद करते हैं, अलग कंटेंट पसंद करते हैं, एक इमोशनल मूवी, फैमिली एंटरटेनर मूवी देखना चाहते हैं, उनके लिए ये फिल्म है, तो उनको ये फिल्म जरूर पसंद आ रही है। तो फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ तो डेफिनेटली मिलने वाला है, डेफिनेटली वर्ड ऑफ माउथ मिलेगा। तो फिल्म का आज का पहले दिन का तो कलेक्शन इतना ज्यादा अच्छा नहीं आने वाला है। दोस्तों पहले आपको इसके बजट के बारे में बता दूं कि कई जगह इस फिल्म का बजट 30-35 करोड़ रुपीज, 40 करोड़ भी लिखा गया है, लेकिन मैंने बहुत सी साइट्स चेक की है, हालांकि जो मेकर्स की तरफ से बजट के बारे में कोई कंफर्मेशन रिपोर्ट नहीं है, लेकिन इसका जो बजट सामने निकल करके आ रहा है वो करीब 20-24 करोड़ रुपए, मतलब 20-25 करोड़ रुपए के बीच में इस फिल्म का बजट है। तो काफी नॉमिनल बजट में ये फिल्म बनाई गई है, और फिल्म को जिस प्रकार से वर्ड ऑफ माउथ मिला है, तो अगर फिल्म को अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिला है और लोग अगर इस फिल्म को देखने जाते हैं तो डेफिनेटली ये फिल्म अपना बजट कवर कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन चूंकि दोस्तों फिल्म की ज्यादा हाइप नहीं थी, फिल्म का ज्यादा पब्लिसिटी की नहीं गई थी, केवल सोशल मीडिया पर ही फिल्म का एडवर्टाइज किया गया था, प्रचार किया गया था, बाकी कोई ज्यादा बड़ी इवेंट रखी नहीं गई थी, तो इसलिए फिल्म का बज उतनी ज्यादा हाइप बन नहीं पाई थी, इसलिए फिल्म को ज्यादा स्क्रीन भी नहीं मिले। दोस्तों फिल्म को स्क्रीन करीब 800 के करीब स्क्रीन पूरे भारतवर्ष में मिले इस फिल्म को, और अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो 300 के करीब स्क्रीन इसको ओवरसीज में मिले, तो करीब 1100 स्क्रीन आप कह सकते हैं कि 1100 स्क्रीन पर यह फिल्म रिलीज हुई है। अब चूंकि फिल्म को स्क्रीन बहुत कम मिले, फिल्म की ज्यादा हाइप नहीं है, फिल्म की ज्यादा बज नहीं है, फिल्म को ज्यादा अच्छी एडवांस बुकिंग प्राप्त नहीं हुई है, तो आज के दिन फिल्म करीब 1.5 करोड़ रुपए से 2.25 करोड़ के बीच में कहीं पर इसका कलेक्शन रह सकता है। कम से कम 1.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन की उम्मीद की जा रही है, और अगर इवनिंग शोज, नाइट शोज और आफ्टरनून शोज में अच्छी ऑक्यूपेंसी देखने को मिलती है, तो फिर दोस्तों ये फिल्म 2 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन कर सकती है, 2 करोड़ से 2.25 करोड़ तक का ये फिल्म कलेक्शन कर सकती है, अगर अच्छी ऑक्यूपेंसी आज नाइट शोज में और इवनिंग शोज में देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर के अगर 2 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन ये फिल्म अपने पहले दिन करती है तो इसे ठीक कहा जाएगा, बुरा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अगर आज फिल्म को अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिलता है तो कल फिर फिल्म के कलेक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, फिर जो वीकेंड है वीकेंड पर फिल्म डेफिनेटली अच्छा करेगी, मतलब शनिवार और रविवार को फिल्म के कलेक्शन में डेफिनेटली बढ़ोतरी होगी। तो देखते हैं क्या होता है फिल्म गुड बाय का, लेकिन इतना तय जरूर है कि फिल्म को काफी अच्छे रिव्यूज मिले, ज्यादातर क्रिटिक्स के द्वारा पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं, और इमोशनल मूवी है, फैमिली एंटरटेनिंग मूवी है, तो हो सकता है कि दर्शक इस फिल्म को धीरे धीरे ही सही पसंद करने लग जाए। दोस्तों फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।